झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आज एएसपी वीरेंद्र मीणा, एसडीएम शैलेश खेरवा तथा नगर परिषद आयुक्त अनिता खिचड़ के साथ झुंझुनू शहर का दौरा किया। इस दौरान किराने की खुली हुई दुकानों को सीज किया गया। वहीं लोगों से कहा गया कि अब वीकेंड कर्फ्यू वाली पाबंदियां हफ्ते में 2 की बजाय 3 दिन हो गई है। इस स्पष्ट आदेशों की लोग पालना करें और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद करें। जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि 24 मई की सुबह 5 बजे से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। ऐसे में नई गाइडलाइन में अब किराने, खाद्य पदार्थ, आटा चक्की, पशु चारे आदि की दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार तक केवल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में भी आज कई जगहों से दुकानें खोलने की सूचना आ रही थी, जिस पर शहर का दौरा किया और जो दुकानें खुली मिली उसे सीज किया गया है। कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हमें मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की 24 तारीख से प्रभावी तरीके से लगाने एवं नई गाइडलाइन जारी की है। इस संदर्भ में आज झुंझुनू शहर के बाजार का देखा गया। अधिकारियों के साथ जो दुकानें ऑथराइज नहीं थी, आज खोलने के लिए अनुमान नहीं थी, वो भी दुकानें कुछ खुली हुई मिली, उनको सील करवाया गया। अधिकारियों को तथा पुलिस अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए कि कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना है उनकी सख्ती से की जाए। किसी तरह के उसमें लेथार्जिक और किसी तरह से उसमें कमी नहीं रहने दी जाए। नई गाइडलाइंस के अनुसार 2-3 बातें मूल हैं। नंबर एक ये है कि नई कोरोना गाइडलाइंस आज 24 मई से प्रातः से 5 बजे से लागू है। इसके तहत जो दुकानें थी, किराना की दुकानें थी या अन्य अनुमत दुकानें थी, उनको सोमवार को नहीं खोलने के लिए पाबंद किया गया है। अर्थात वीक में 4 दिन वो दुकानें, अनुमत दुकानें खुलेगी। बाकी 3 तरह की दुकानें जैसे डेयरी से संबंधित है, सब्जी से संबंधित है, ठेले जो सब्जियों ठेले से संबंधित है, वो 7 दिन खुले रहेंगे, वो भी 11 बजे से सुबह 6 बजे से दिन के 11 बजे तक, और दूध और डेयरी की दुकानें शाम को भी 2 घंटे खुलेंगी। जहाँ तक ठेले वाले लोग हैं, ये सब्जियां बेचने के लिए गलियों में, मोहल्लों में घूमकर 5 बजे तक बेच सकते हैं। बैंक्स वगैरह के लिए भी और एटीएम्स वगैरह के लिए भी सबके लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें कमोवेश जो पुरानी गाइडलाइंस वही हैं। लेकिन सरकार का जो मकसद है वो ये स्पष्ट है कि लोगों को घरों के अंदर रहना है, कोरोना से बचने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक रूप से घर में रहें।